अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन ड्रम स्टिक। चिकन ड्रम स्टिक बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, चिकन लेग लिए हैं 6, अंडा लिया 1, मैदा लिया 1/4 कप, कॉर्नफ्लोर लिया 2 टेबल स्पून, ब्रेड क्रम्ब लिया 1/4 कप, नमक लिया 1 टीस्पून, सूख मिर्च पाउडर लिया 1 टीस्पून, कुटी हुई काली मिर्च लिया 1 टीस्पून, सफ़ेद मिर्च पाउडर लिया 1 टीस्पून, नमक और मिर्च आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अदरक लहसुन पेस्ट लिया 1 टेबल स्पून, 1 मैंने लार्ज साइज़ का प्याज लिया है जिसका मैंने पेस्ट बना लिया और इसका पानी निकाल लिया, हरी मिर्च पेस्ट लिया 1 टेबल स्पून, सिरका लिया 1 टेबल स्पून, सोया सॉस लिया 1 टेबल स्पून, चिली सॉस लिया 1 टेबल स्पून। सबसे पहले हम गोश्त को हड्डियों से अलग कर लेंगे। एक हम चिकन लेग लेंगे और इसे छुरी की मदद से गोश्त को अलग करेंगे। हमने सारा गोश्त जो है हड्डी से अलग करना है। ऐसे ही हम तमाम गोश्त जो है लेग से अलग करते जाएंगे और हड्डी को अलग करते जाएंगे। गोश्त को मैंने हड्डी से अलग कर लिया, ऐसे ही हम बाकी का भी गोश्त अलग कर लेंगे हड्डी से। तमाम गोश्त को मैंने हड्डियों से अलग कर लिया। अब हम इस गोश्त को और तमाम इंग्रेडिएंट्स को चॉपर में डाल के पीस लेंगे। तमाम चीज़ों को मैंने चॉपर में डाल के पीस लिया और पीस के मैंने इसको एक बार हाथ से मिक्स करके ऐसे इकट्ठा कर दिया। अब हम इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। आधा घंटा हो गया, अब हम इसकी ड्रमस्टिक बनाएंगे और इसको मैदे में कोट करेंगे। अब हम हाथ पे ऑयल लगाएंगे और हाथ को ग्रीस कर लेंगे। अब हम थोड़ी सी स्टफिंग लेंगे इसमें, हम ये हड्डी रखेंगे और इसको हम ड्रम स्टिक की शेप देंगे। ऐसे ही हम इसको बनाते जाएंगे और मैदे में कोट करते जाएंगे। इसको मैंने अच्छे से कोट कर लिया। अब हम इसे प्लेट में रखते जाएंगे और ऐसे ही बाकी की भी तैयार कर लेंगे। तमाम ड्रमस्टिक तैयार हैं, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, मीडियम फ्लेम ऑन कर लिया, इसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल को हम हल्के से ज़रा तेज़ गर्म करेंगे। ऑयल को हमने ज़्यादा गर्म नहीं करना क्योंकि जो हमने इस पर स्टफिंग की है वो कच्ची है। ऑयल गर्म हो गया, अब हम इसमें ड्रम स्टिक डालेंगे। और इसको हम 1 मिनट तक इस तरह ही फ्राई होने देंगे। फ्लेम को हम लो टू मीडियम कर देंगे। 1 मिनट हो गया, अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ऐसे ही हम सबकी साइड चेंज करते जाएंगे। अब हम इसको इस साइड से भी फ्राई होने देंगे। हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक कुक हो जाए। ड्रमस्टिक हमारी फ्राई हो गई, अब हम इसे ऑयल से निकाल लेंगे और ऐसे ही हम बाकी भी फ्राई कर लेंगे। तमाम ड्रमस्टिक हमारी फ्राई हो गई है, अब मैं इसे डिश आउट करके आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। चिकन ड्रमस्टिक हमारी तैयार है। अगर आप इसकी पिक्चर मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। अगर आपको ये चिकन ड्रमस्टिक की रेसिपी मेरी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना मत भूलें क्योंकि इससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। अल्लाह हाफिज़।